गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं 13.7 की, उसके दो क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम बात करेंगे 13.7 में क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की। इसको हम मान लेते हैं पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन है जिसके अंदर एक कॉनिकल है, एक कॉन की जो हाइट है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, हमें उसका आर फाइंड करना है रेडियस, और जो पाई है उसकी वैल्यू हमें लेनी है 3.14। यहां करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में वॉल्यूम दे रखा है, बात चल रही है कोण की, तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम दे रखा है 1570, तो हमने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू रख दी 1/3 का 1/3। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि पाई इज इक्वल टू लेना है 3.14, तो 3.14। आर फाइंड करनी है, आर की वैल्यू है नहीं इसलिए आर स्क्वायर कर दिया। हाइट दे रखी है हमें 15, तो हमने 15 रख दिया, इज इक्वल कर दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। 3 की टेबल से कैंसिल आउट किया 5 टाइम, आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो 3.14 और 5 यहां कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उधर जाए करेंगे डिवाइड, तो 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। पॉइंट को कैंसिल आउट किया, ऊपर आए 20। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, मैं 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया मैंने इसको, तो 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 7 14। आप इसको करके देख सकते हैं। अब मैं इसको 2 की टेबल से इसको कट करता हूं, 2 7 14, 1 17 रह गया, 2 8 16, 5 0 0। तो ये आपके 2 की टेबल से कैंसिल किया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं आगे, तो मेरी वैल्यू आएगी 100, तो आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस पे आएगा अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट होता है 10 सेंटीमीटर, तो यानी क्वेश्चन नंबर वन में जो रेडियस आएगी वो आपकी होगी 10 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक सर्कुलर कोण है जिसकी हाइट दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा 48 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है बिल्कुल वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। हमें दिया गया है वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई सेमी क्यूब, यहां पाई हो रहा है, भूल गया था मैं लिखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 का 1/3, पाई के पाई है क्योंकि तो यहां पाई है यहां भी पाई है, आर फाइंड करना है क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, और हाइट दे रखी है 9 इज इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 से 3 को कैंसिल किया 3 टाइम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, When we will divide them, we will get 16. Divide करते ही हम मिलेगा 16. Square को गायब करेंगे, हटाएंगे, तो आएगा अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट होता है 14. तो रेडियस आ गई हमारे पास 4. पूछ रखा है डायमीटर, तो आप अच्छे से जानते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो यानी कि 4 × 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और 4 + 4 भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, जो डायमीटर आया हमारे पास वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। डायमीटर दे रखा 3/5, हाइट दे रखी है 12, कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम फाइंड करना है, तो बात चल रही है कॉनिकल की, तो कॉनिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यू विल राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ द कोन, या फिर आप राइट करोगे कैपेसिटी ऑफ कोन,
तो 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एस 1 अपॉन 3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर, डायमीटर 3 अपॉन 3.5 तो रेडियस होगी इसकी हाफ यानी कि 3 अपॉन 5 अपॉन 2 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने लिखा इसको 2 टाइम। हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, वी विल राइट हियर 12, हमने यहां 12 लिखा। नाउ दैट टाइम वी विल सॉल्व इट, 2 की टेबल से 12 को कैंसिल किया 6 टाइम, 2 की टेबल से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम, 3 को 3 से कैंसिल आउट किया, 7 को 3.5 से कैंसिल आउट किया 0.5। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई देम, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 11.0 मल्टीप्लाई 3.5, मल्टीप्लाई करते ही आएगा 38.5 मीटर क्यूब। आंसर पूछ रखा है फाइंड द आंसर कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, तो मैं आपको बता दूं 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 किलोलीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 किलोलीटर, और दे रखा है 38.5 मीटर क्यूब, तो हमारा किलोलीटर हो गया 38.5 किलो लीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पार्ट 2 में। पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की और 8 की, याद एक आधा क्वेश्चन और रहेगा तो उसकी। थैंक यू, जय हिंद।